जैन साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे कि यूपी टेट की परीक्षा में तुक्का क्यों मारे, तुक्का कैसे लगाए। अगर समय कम है और आपके प्रश्न छूट रहे हैं, उस दशा में अपने ओएमआर सीट को कैसे गोला करें ताकि आप आराम से क्वालिफाई कर सके, या उनको जिनकी तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई है, या उनके भी जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है लेकिन फिर भी उनको एक दो प्रश्न नहीं आ रहे हैं, उन प्रश्नों को कैसे तुक्का लगाकर सही करें और अपने अंक को और बेहतर कर लें, या जिनकी तैयारी में थोड़ी सी कमी रह गई है, या जिनको 4-5 अंकों से डर लग रहा है, मतलब अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो 10 से 15 आपका फायदा होना लाजमी है और परीक्षा में इसका लाभ जरूर मिलेगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, उनको भी देखना जरूरी है जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है, वो स्कोर और बेहतर कर सकते हैं। उन वो भी देखें जो परीक्षा से पहले डरे हैं, या जिनको ये लगता है कि अभी उनकी तैयारी पूरी नहीं है, उन सभी के लिए ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो आज हम उसके हर पहलू पे बात करेंगे, यूपी टेट की परीक्षा में तुक्का क्यों लगाना चाहिए, क्या तुक्का लगाना क्या अपराध है, क्या इसके बारे में आपको जानना अपराध की श्रेणी में, ऐसा कुछ नहीं, कुछ लोग इस पर भी टिप्पणियां करते हैं, मैंने कई बार देखा, लेकिन फिर भी आज हम उन अभ्यर्थियों के लिए लाइव हैं ताकि आप इन सभी तथ्यों को समझ सकें और जान सकें। पहली बात, अगर दुनिया की कोई भी ऐसी परीक्षा हो रही है जिसमें नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं है, तो ऐसे परीक्षा में अगर आप कोई प्रश्न छूट रहा है या आपके पास समय कम बचा है, तो लास्ट समय क्या होता है, आपको तेजी से प्रश्न को पढ़ने का भी समय नहीं मिलता, उसे गोला करना होता है। अगर प्रश्न नहीं छोड़ते, जैसे मान लीजिए 150 प्रश्नों का आपका पेपर है और आप समय कम बचा है, 20 प्रश्न है और 200 प्रश्न को गोला करना है आपको, अब समय नहीं है, पेपर छिनने वाला, उस दशा में विकल्प कैसे गोला करें ताकि आप ज्यादा अंक ला सके। या कभी कभी जब कंफ्यूजन क्रिएट हो, सर ये वाला सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ए बी सही है, या ए या सी में कोई एक सही है, उस दशा में आप विकल्पों का सही और सटीक चयन कैसे करें, यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यह वीडियो सभी अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है जिनकी तैयारी अच्छी है, जिनकी तैयारी में कोई कमी रह गई है, क्योंकि प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर मान लीजिए 150 अंक का पेपर है, आपने 130 प्रश्न आपने किया जो आपको समझ में आ रहा था, 20 प्रश्न आपने छोड़ दिया, अगर आपने 20 प्रश्नों को भी कर लिया, अगर तुक्का लगा, उसमें से 12 अंक अगर आपके छोड़ गए, तो आपके स्कोर में इजाफा हुआ है ना, मतलब आपका फायदा हुआ ना। तो आज मैंने इस वीडियो को इसलिए बताया था कि आपकी परीक्षा के चंद घंटे बचे हैं, जिनको तैयारी करनी तो कर चुके हैं, अब आप राम भरोसे भगवान भरोसे अगर हैं, और नहीं भी है तो सबके लिए जरूरी होता है, क्योंकि हम बहुत पढ़कर जाते हैं, कभी कभी छोटी छोटी गलतियां ऐसी होती हैं जो हमारे योग्यता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देती है, कभी ओएमआर गलत हो जाता है, कभी बुकलेट नंबर गलत हो जाता है, कभी मार्क्स भरने में गलती हो जाती है, तमाम तरह की गलतियां आती हैं। लेकिन आज हम एक एक करके बात करते हैं तुक्का कैसे मारें। सबसे पहली बात, एक बात तो ध्यान रखिएगा कि आपको 150 प्रश्न पूरे करने हैं, प्रश्न को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे नकारात्मक अंक नहीं है कि तुक्का लगाए अगर गलत हो गया तो आपका माइनस हो जाएगा अंक, ऐसा यहाँ पे प्रावधान नहीं है। तो आप इसमें जहां पे नकारात्मक अंक का प्रावधान नहीं हो, सारे प्रश्न करना चाहिए और तुक्का वहां जरूर लगाना चाहिए। अब देखिए, अगर आपके परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसमें ये विकल्प होता है ये सभी, तो ये मान के चलिएगा अगर आपको उस प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता है तो ये सभी को गोला करिएगा, प्राय ये विकल्प डी होता है, ये विकल्प प्राय क्या होता है, डी विकल्प होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 80% यह विकल्प सही होता है, 20% गलत है, तो प्रायिकता आपकी ज्यादा है, इसलिए जहां पे कभी भी आ जाए ये सभी ऑल ऑफ दीज, उसे आंख मूंद कर सही करिएगा अगर आपको प्रश्न का सटीक उत्तर नहीं पता है तो। दूसरी बात, कभी कभी विकल्प में देता है ए और सी दोनों, उसको भी सही कर सकते हैं, कभी कभी देता है ए और बी दोनों, तो इस दशा में अगर कोई दो विकल्पों के बारे में बताता है कि ए बी सही है, बीसी सही है, तो इस दशा में जो विकल्प होता है वो 70% सही होता है। तो इस दशा में अगर आपको उस प्रश्न का एग्जैक्ट उत्तर नहीं पता है तो उस दशा में भी आप इस विकल्प का चयन कर सकते हैं। एक विकल्प आता है इनमें से कोई नहीं, जब आता है इनमें से कोई नहीं, तो आप याद रखिएगा कि वह केवल 20% सही होता है, 80% गलत होता है। अब आपको ये आसानी हो जाएगी, 4 विकल्प जगह आपके पास 3 विकल्प हैं, 3 में से जो आपको सबसे सही लग रहा है उस पर आप गोला करिएगा। एक बात, अगर इतनी चीजें आपको पता है तो आप परीक्षा में 5 से 7 अंक ज्यादा लेकर आएंगे, क्योंकि हर सेक्शन में 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें होता है ये सभी, 4 विकल्प। उसके बाद कभी कभी जब एकदम नहीं पता होता है, उत्तर नहीं पता होता है, उस दशा में जो सबसे बड़ा वाला लिखा होता है वही उत्तर होता है, ऐसा माना जाता है अमूमन, लेकिन यह प्रायिकता यथासंभव पर है,
हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, कि जो बड़ा वाला भाई उसका उत्तर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये मान लेते हैं। दूसरी बात, अगर हम सीडीपी का सेक्शन से सॉल्व कर रहे हैं या हम बाल विकास के सेक्शन को हल कर रहे हैं, उसमें एक बात आप जानते रहिएगा कि जहां एनसीएफ 2005 आता है वहां पर एक बात याद रखना है कि उसमें एक नकारात्मक प्रश्न आता है, इनमें से नहीं माने चार विकल्प होता है, नहीं माने तीन सही और एक गलत है, वो एक गलत विकल्प का चयन करना होता है। उसमें होता है बच्चों को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, बच्चा जो भी कह रहे हैं, मतलब बाल केंद्र शिक्षा पर बल देता है। और ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में दो प्रश्न आएगा कि 14 तक के बालक जो है, जिनके लिए आप शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनको मारना नहीं क्योंकि बाल केंद्र शिक्षा है, उन्हें होमवर्क नहीं देना है, उनका मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से, अंक के माध्यम से, ग्रेड के माध्यम से, इसके माध्यम से नहीं करना है। मैंने उन्हें ये प्रश्न पूछिए, अच्छा बेटा ये खाना क्या खा के आया हो, अच्छा कितने कौन कौन से जानवर के बारे में जानते हो, तो अगर पक्षी भी बता रहे तो उसको ही मानिएगा, वो जो भी बता रहा सब सही है, उसको समझाइए धीरे धीरे, माने उसके जो पहले से ज्ञान है उसको ही आपको आगे बढ़ाना है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये सीडीपी में से सवाल आएंगे, अधिगम से सवाल आएंगे, वो भी आपको कर लेने हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब आपके और हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी प्राय तुक्का लगाने की बात आती है, तो हिंदी में इसकी जरूरत कम पड़ती है क्योंकि वहां पर भी आपने पढ़ा होगा दिक्कत होती है गणित में आकर, गणित में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है गणित में तुक्का कैसे लगाएं। तो देखिए गणित में तुक्का लगाने के लिए अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग पता है, अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा कि उसमें से प्रश्न का अगर हल नहीं पता है तो विकल्प जो होता है चारों, उस विकल्प को परीक्षा के प्रश्न में कथन में रखने का प्रयास करिएगा, जो विकल्प मैच कर जाए वह आपका उत्तर सही है। तो मतलब आप गणित की परीक्षा में अगर आपको तुक्का मारना है तो प्रायः एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि चार विकल्प होते हैं, चार विकल्प में से एक डिफरेंट विकल्प जो होता है वही चुनने का प्रयास करिएगा। जैसे 3.41, 4.3 है, तो जैसे 3 दशमलव में है एक नहीं है, तो अब ये समझिए कि इसका मतलब उत्तर दशमलव वाला भी है, क्योंकि प्राय जो उत्तर होते हैं आजकल के जो परीक्षा का ट्रेंड है एकदम एक जैसे बनाने का प्रयास किया जाता है, उसमें जैसे एक में 12, 13, 14 है या 12, 13 है, 28, 19 है, तो आपको याद रखिएगा कि जिसमें कम गैप है उसी में से आपका प्रश्न का कोई उत्तर छुपा हुआ है। तो इस तरह से आप गलत में भी बेहतर अंक ला सकते हैं, क्योंकि अगर हो सकता है इससे 3 प्रश्न भी आपने ज्यादा किया तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरे पेपर में अगर इस विधियों का प्रयोग करके आपने 5 अंक भी ज्यादा लाया तो, क्योंकि पास और फेल आप देखेंगे एक एक नंबर, दो दो नंबर से लोग होते हैं, जब रिजल्ट आया उत्तर कुंजी आएगी मिलाएंगे तो एक एक नंबर से रुकता है, दो दो नंबर से रुक जाता है, तीन तीन नंबर से रुक जाता है, तो ऐसे लोग आसानी से दरिया पार कर जाएंगे। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण में इसमें से कोई नहीं वाले सवाल पूछते हैं, कूट वाले सवाल पूछे जाते हैं, तो उस दशा में जो कूट के मिलान करने वाले होते हैं उनमें देखेंगे कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो सब में कॉमन होते हैं, उस दशा में जो आपको ज्यादा कॉमन विकल्प दिख रहे हैं जैसे 3, 4, 1, 5, 2, 3, 6, 4, 3, तो इस तरह से जब विकल्प होता है जिसमें ज्यादा समानता दिखे उनमें से किसी विकल्प को चयन करेंगे, आपका प्रश्न का उत्तर सही रहेगा। इसलिए जो प्रैक्टिस सेट था उसमें हमने इस तरह के चीजों का पूरा प्रयोग किया था, अगर आपने हल किया होगा प्रैक्टिस सेट, 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिले होंगे इलर्निंग विद दुर्गेश के ऐप से, तो वहां पे मैंने चीज देखा कि उन प्रैक्टिस सेट में खासियत था कि प्रश्न का विकल्प चुनने में आपको काफी मदद करता था। दूसरी बात, अब लास्ट संस्कृत या अंग्रेजी है आपका, तो संस्कृत अंग्रेजी में भी प्रायः होता है कि जिसका उत्तर बड़ा होता है उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दीज वही सही होते हैं, लेकिन अब ये मेरा व्यक्तिगत मानना था, और आप जरूरी नहीं कि इस जितना मैंने बताया इसी का फॉलो करें, अपने स्वविवेक का प्रयोग करके अपने परीक्षा हाल में अपना बेहतर स्कोर करिएगा। एक मेरा सुझाव ये था कि हो सकता है इसकी वजह से आपके 3-4 अंकों का फायदा हो जाए, बाकी आपकी मर्जी, आपने नोट्स पूरी पढ़ ली है, क्लास पूरा पढ़ लिया, तैयारी आपकी पूरी हो चुकी है, क्योंकि वास्तविकता जो है वो आपकी मेहनत, आपकी तैयारी जो है वही आपको सफलता दिलाती है, वही सिलेक्शन दिलाती है। ये कब है जैसे कहते हैं नसीब साथ न देना, तो उस दशा में इनका प्रयोग करेंगे, अगर आपके साथ सब कुछ सही होना है, अगर सारी बातें समान रही तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप अपना बेहतर दीजिएगा, अपना बेस्ट दीजिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप एक रेस के घोड़े हैं और आपकी रेस शुरू है, आपके साथ सभी लोग दौड़ रहे हैं, बस पहली प्रायिकता है आपको क्वालिफाई करना है, दूसरा आपको स्कोर करना है। तो सबसे पहले वो सभी अभ्यर्थी क्वालिफाई करके अगले चरण में प्रवेश करिएगा, फिर और मेहनत करिएगा, जो यहाँ पे कमियां रह जा रही हैं, जो इस परीक्षा में आपको कमी नजर आ रही है, आगामी परीक्षा में ऐसी कमी नजर ना आए, इस बात को भी आपको फोकस करना है। फिलहाल अब हम
विदा चाहते हैं। इस वीडियो को अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा और इन लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर पर वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं, नोट्स भी वहां से प्राप्त कर सकते हैं, घर बैठे भी नोट्स इन लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं सभी नोट्स। और आप ये भी देखिएगा कि नोट्स से आपको 70% से ज्यादा प्रश्न आपको इन लर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स मिल जाएंगे, ऐसा संभावना है जो परीक्षा होगी। उसके बाद आप स्वयं देखिएगा कि कितनी सच्चाई है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, अपना बेहतर दीजिएगा और आपकी मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा। ये तुक्का सेकेंडरी है, जब आपको कह रहे हैं अंधेरे में जा रहे हो, पूरा अंधेरा अंधेरा हो, तो किसी दीपक के सहारे से भी आप अपने रास्ते को खोजना होता है। उस दशा में, उस अंधेरे में वो दीपक आपके लिए कभी कभी पालनहार और आपके निर्णायक भूमिका निभाता। तो उसी प्रकार ये छोटी सी वीडियो थी, लेकिन वास्तविकता जो आपकी मेहनत थी, जो आपका लगन था, वो आपके लिए सब कुछ था। और आपने सब कुछ किया है, अपना बेस्ट दिया है, अपना बेहतर दिया है, फिर भी अगर कोई कमी छूट रही है, कोई कमी लग रही है, तो उसके लिए वीडियो था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई प्रश्न हो, कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने अपना अनुभव इलानी में दुर्गेश के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सामंजस्य बनाए रखिएगा, डरिएगा मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। डर अगर आप पे हावी हो जाएगा तो ढेर सारे प्रश्न आने वाले भी गलत कर जाएंगे जल्दबाजी में। आराम आराम से भरिएगा। उसके बाद ओमर्श को कैसे भरना, वो मैंने वीडियो बनाई है, एक बार जाके देख लीजिएगा। इन लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर और टेलीग्राम पर भी है, जहां पे दुर्गेश सर सर्च करके आप इन लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। बाय बाय, भगवान आपके साथ है, बस मेहनत करते रहिएगा, क्योंकि कर्म प्रधान है और कर्म करेंगे तो नसीब आपका साथ जरूर देगा। जय हिंद।